हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी के महाकठिन शब्दों को अंग्रेजी में आसानी से लिखने के लिए, जैसे कि सभी वीडियो में बताते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मात्र 50 लाइक आपसे मांगते हैं, तो प्लीज़ इस लाइक को टारगेट को पूरा कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देखिए, क्या सच्चिदानंद है? क्या सच्चिदानंद, तो सो का क्या होगा? एस, अभी न मात्रा का है तो ए, चो है तो सी एच, फिर चो है तो सी एच, हर्षी का है तो आई, ऐसे सी एच सी एच आई, सच्ची दा तो डी ए दा नंद, एन ए ए अंशुआ का ए एन, और फिर दो है तो डी, ऐसे सी एच सी एच आई डी ए एन ए एन डी, सच्ची दा नंद। क्या बना? सच्ची दा नंद। तो यहां देखिए क्या राजगिरी है, तो रो का क्या होगा? आर, ए मात्रा है तो जे है तो जे, गिरी तो गो का क्या होगा? जी आर आई, हो है तो एच, आर ए जे राज जी आर आई एच, गिरी राजगिरी। क्या बना? राजगिरी। तो यहां देखिए क्या प्रगतिवाद है, तो पो का क्या होगा? पी, अब पो में रो है तो आर ए, प्र गति जी ए, तो है तो टी आई, पी आर ए जी ए टी आई प्रगति, उसके बाद है डब्लू ए, दो है तो डी, पी आर ए जी ए टी आई डब्लू ए डी प्रगतिवाद। क्या बना? प्रगतिवाद। तो यहाँ देखे क्या हीरानंद है, क्या हीरानंद, तो हो का क्या होगा? एच डबल ई आर ए, हीरा, उसके बाद नंद एन ए एन, दो है तो डी, एच डबल ई आर ए एन ए एन डी, हीरा नंद। क्या बना? हीरा नंद। तो ध्यान से आप लोग देखते जाइए। तो यहाँ देखिए क्या पुष्करणी है, क्या पुष्करणी, तो पो का क्या होगा? पी, हर्षी का है तो यू, एस एच को है तो के ए, पुष्क रीनी आर आई एन आई, पी यू एस एच के ए आर आई एन ए, पुष्करणी। क्या बना? पुष्करणी। तो यहाँ देखिए क्या कृत्यानंद है, क्या कृत्यानंद, तो को का क्या होगा? के, को में री का है तो आर आई, क्री आधा तो है तो टी, यो है तो वाई, के आर आई टी वाई एन ए, फिर नो है एन, और दो है तो डी, के आर आई टी वाई एन ए एन डी, कृत्यानंद। क्या बना? कृत्यानंद। तो यहाँ देखिए क्या प्रबंध काव्य है, क्या प्रबंध क्या, तो पो का क्या होगा? पी, पो में रो है तो आर ए, बो है तो बी, अंशु है तो ए एन, धो है तो डी एच, पी आर ए बी ए एन डी एच प्रबंध काव्य, के ए वो का क्या होगा? भी काव्य, यो में जोड़ रहा था वाई ए, प्रबंध काव्य। क्या बना? प्रबंध काव्य। तो यहाँ देखिए क्या यतीन्द्र है, क्या यतीन्द्र, तो यो का क्या होगा? वाई ए, तो है तो टी आई, नो है तो एन, उसके बाद दो है तो डी, और दो में रो है तो आर ए, वाई ए टी आई एन डी आर, यतीन्द्र। यतीन्द्र पढ़िए या यतीन्द्रा पढ़िए। तो यहाँ देखिए क्या शास्त्री, क्या है शास्त्री, तो सो का क्या होगा? एस एच ए एस, उसके बाद त्रो है तो टी आर आई, एस एच ए एस टी आर ए, शास्त्री। क्या बना? शास्त्री। तो यहाँ देखिए क्या त्रिशंकु है, क्या है त्रिशंकु, तो त्रो का क्या होगा? टी आर, हर्षी का है तो आई, त्रिशंकु, एस एच अंशुआ है तो ए एन, को है तो के यू, टी आर आई एस एच ए एन के यू, त्रिशंकु। क्या बना? त्रिशंकु। तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए, लास्ट में आपको देंगे बनाने के लिए। तो चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए क्या मिर्जापुर है, क्या मिर्जापुर, तो मो का क्या होगा? एम, हर्षी का है तो आई,
उसके बाद रेफ का होगा आर, जो है तो जे ए, एम आई आर जे ए, मिर्जा। उसके बाद पुर, पी, हर्षु का है तो यू, रो है तो आर, एम आई आर जे ए पी और मिर्जापुर, क्या बना मिर्जापुर। तो यहाँ देखिए क्या प्रचंड, क्या है प्रचंड, तो पो का पी और पो में रो है तो आर ए, प्रचंड। सी एच ए, नो है तो एन, डो है तो डी, पी आर ए सी एच ए एन डी, प्रचंड, क्या बना प्रचंड। तो यहाँ देखिए क्या प्रशंसित है, तो पो का क्या होगा पी, अपो में रो है तो आर ए, तालम सो है तो एस एच, अंशो है तो ए एन, फिर सो है तो एस, हर्षी का है तो आई, तो है तो टी, पी आर ए एस एच ए एन एस आई टी, प्रशंसित, क्या बना प्रशंसित। तो यहाँ देखा क्या उपन्यास है, क्या उपन्यास, तो छोटा ओ का क्या होगा यू, पी आधा नो है तो एन, यो है तो वाई ए एस, यू पी एन वाई एस, उपन्यास, क्या बना उपन्यास। तो यहाँ देखिए क्या मुक्ति बोध है, क्या मुक्ति बोध, तो देखिए मो का क्या होगा एम, हर्षु का है तो यू, को है तो के, फिर तो है तो टी, हर्षी का है तो आई, एम यू के टी आई, मुक्ति। उसके बाद बोध है तो बी ओ, धो का डी एच, एम यू के टी आई बी ओ डी एच, मुक्ति बोध, क्या बना मुक्ति बोध। तो यहाँ देखिए क्या धर्मशाला है, क्या धर्मशाला, तो धो का क्या होगा डी एच ए, रेफ का क्या होगा आर एम, डी एच ए आर में धर्म। उसके बाद शाला एस एच ए, लो है तो एल ए, डी एच ए आर एम एस एच ए एल ए, धर्मशाला, क्या बना धर्मशाला। तो यहाँ देखिए क्या प्रखंड, क्या प्रखंड, तो फिर पो का होगा पी, रो है तो आर ए, खो है तो के एच ए, नो है तो एन, फिर डो है तो डी, पी आर ए के एच एन डी, प्रखंड, क्या बना प्रखंड। तो यहाँ देखिए क्या अध्यापिका है, क्या अध्यापिका, तो ओ का क्या होगा ए, धो का डी एच, यो है तो वाई ए, ए डी एच वाई, अध्यापिका, पी आई, को है तो के ए, ए डी एच वाई ए पी आई के, अध्यापिका, क्या बना अध्यापिका। तो यहाँ देखिए क्या प्राध्यापिका है, क्या प्राध्यापिका, तो पो का क्या होगा पी, पो में रो है तो आर ए, प्राध्या, तो डी एच वाई ए, पी आर ए डी एच वाई ए, प्राध्यापिका, तो पी आई के ए, प्राध्यापिका, क्या बना प्राध्यापिका। तो यहाँ देखिए क्या नागेश्वर है, क्या नागेश्वर, तो नो का क्या होगा एन ए, गो है तो जी, आई का है तो ई, एस एच डब्लू ए, रो है तो आर, एन ए जी ई एस एच डब्लू ए आर, नागेश्वर, क्या बना नागेश्वर। तो चलिए अब आपका बारी है बनाने का, तो चलिए आपको देते हैं कुछ शब्द लिखने के लिए, इन शब्दों को आप लिख करके कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते, इन्हीं शब्दों को आप इंग्लिश में लिख करके कमेंट करिएगा। तो चलिए इन शब्दों को लिख करके देखिए, सो फ्रेंड आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, सिर्फ आप लोग से लाइक मांगते हैं, तो लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी ना करें, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और जो जो इस चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो उससे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ज़्यादा सब्सक्राइब होकर हमको और अच्छे से अच्छे वीडियो ज़्यादा बनाने का मोटिवेट मिले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।